ग्राम प्रधानगण यहाँ पे होंगे उनसे जरूर मेरी बात हुई होगी, उनसे अनुरोध भी मेरे द्वारा किया गया था कि कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि शासन द्वारा निर्गत गाइडलाइन का उल्लंघन हो और उससे समस्या पैदा हो। तो आप सबसे यही अनुरोध है जैसा कि त्योहारों संबंध में भी शासन की जो अपना है कि कोई भी कार्यक्रम सार्वजनिक रूप से नहीं होगा, कोई पंडाल दुर्गा प्रतिमा के लिए बाहर आज तक नहीं लगने की अनुमति मिली है। तो हम लोग कोई भी स्थापना अपने घर के अंदर ही करें। इसी प्रकार ये चंद्रों में भी ये निर्देश थे, मौसम में भी, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने बाहर बड़े बड़े ताजिए रख दिए। मैं उनका प्रधान और गाँव का नाम नहीं लूंगा, ग्राम प्रधान साहब ने बड़े सहयोग किया हम लोगों का और उस ताजिए को घर के अंदर रखवा दिया। तो ऐसी स्थिति दोबारा ना आने दें, क्योंकि मामला आप लोगों के संज्ञान में है और अगर किसी तरीके से आप कोई व्यक्ति गतिविधि करेंगे कि जिनसे वहाँ की शांति व्यवस्था विक्षुब्ध हो, वहाँ परिस्थिति खराब हो, शांति व्यवस्था की बड़ी समस्या हो और लॉकडाउन की शर्तों का उल्लंघन और उसके बाद जो लॉकडाउन के पश्चात आशा ने जो अभी निर्देश जारी किए हुए हैं कि किसी दशा में कोई प्राथमिक कार्यक्रम का आयोजन अभी भी अनुमति नहीं मिली है। तो हम लोग उन्हीं शर्तों के अधीन जैसे अभी हमने पिछले बार का भी त्यौहार सरकार कराए थे, अभी हम उसी प्रकार की तैयारी करेंगे और अपने सभी त्यौहारों को उसी प्रकार में हम सक्सेस संपन्न कराएंगे और हम सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा, जो परिवार सुरक्षित रहेगा तो हमारा गाँव सुरक्षित रहेगा, शहर सुरक्षित रहेगा और हमारा देश सुरक्षित रहेगा। तो हम उसी उत्साह में पढ़ करके कोई ऐसा कार्य न करें जिससे कि इस लॉकडाउन या कोविड की जो शर्तें हैं। नेपाल सीमावर्ती कस्बा रुपैढिया में आदर्श थाना कोतवाली के प्रांगण में हुई शांति कमेटी की बैठक, बैठक की अध्यक्षता अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अशोक कुमार शर्मा ने किया। क्षेत्राधिकारी नानपारा जंग बहादुर कोतवाल प्रमोद कुमार सिंह सहित सभी क्षेत्रीय प्रधान जनप्रतिनिधि पत्रकार बंधुओं की उपस्थिति रही। आगामी त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए चर्चा परिचर्चा हुई। साथ ही अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने जानकारी दी कि पूर्व की भांति कोरोना के कारण नवरात्र और दशहरा पर किसी प्रकार के आयोजन को नहीं किया जाएगा। सभा का संचालन डॉक्टर शरद कुमार शर्मा ने किया। न्यूज प्लस इंडिया के लिए संतोष शुक्ला की रिपोर्ट, रुपैढिया।